ये उन दिनों की बात है जब मैं होली की छुट्टियों में अकेला जयपुर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया था। जयपुर राजा महाराजाओं का शहर। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज सेकेंड डे ऑफ जयपुर ट्रिप एंड आज हम एक्सप्लोर करेंगे आम्बेर फोर्ट। आज भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मेरा फूड ब्लॉग भी है तो वो शायद सबसे लास्ट में आएगा, तो वो भी आप देखना भूलना मत। सो गाइज चलिए तो अभी चलते हैं और सेकेंड डे जयपुर का एक्सप्लोर करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं निकुंज पटेल, वेलकम बैक टू निकुंज ट्रैवलॉजी। सो इस वीडियो में हम आमेर पैलेस का टूर करेंगे और आमेर पैलेस की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो आमेर पैलेस जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आमेर पैलेस के लिए आप जीप, ऑटो, टैक्सी बुक कर सकते हो या तो फिर आप वहाँ की सिटी बस से भी आमेर पैलेस तक पहुँच सकते हो या तो फिर आप मेरी तरह बाइक रेंट पे लेके जा सकते हो। सो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं आमेर पैलेस और जयगढ़ फोर्ट। आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, ये जो है वो आमेर पैलेस है जहां पे राजा रहते थे और इस तरफ आपको मेरे बैक साइड दिख रहा होगा कि ये जो फोर्ट है वो जयगढ़ फोर्ट है, वहां पे भी हम जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहां पे जो राजा की प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्ट बनवाया गया था और वहाँ पे जो उसकी आर्मी रहती थी, और ये जो है आमेर पैलेस है वहाँ पे राजा रहते थे। कौन से राजा रहते थे वो मैं आपको ऊपर जाके बताऊँगा। सो चलिए अभी जाते हैं ऊपर। अभी हम आ गए हैं आमेर पैलेस के पास। अभी हम जाएंगे यहाँ पे, इससे थोड़ी देर के बाद अभी एंट्रेंस है। तो ये जो जयपुर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक है ओल्ड सिटी और न्यू सिटी एंड पिंक सिटी। तो अभी जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हो वो है आम्बेर सिटी, यानी कि ये है ओल्ड सिटी, तो सबसे पुराना ये है। फिर उसके बाद पिंक सिटी डेवलप हुआ और उसके बाद न्यू सिटी। तो चलिए अभी हम जाते हैं। अगर आप आमेर पैलेस के फ्रंट साइड से जाओगे तो आप वहां से हाथी सवारी भी कर सकते हो और हाथी सवारी के जो चार्जेस है वो 1100 रुपीस है। अभी जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हो वो है सूर्य पोल। तो सूर्य पोल की जो ये है फर्स्ट गेट एंट्रेंस है, यानी कि ये सामने वाला फ्रंट गेट है और चांद पोल है वो बैक साइड से अगर आप आना पड़ेगा। अगर आप बाइक से आ रहे हो या फिर कोई कार लेके आ रहे हो तो चांद पोल से आइए। चांद पोल से आप डायरेक्ट ऊपर तक आ सकते हो, लेकिन अगर सूर्य पोल से आप आए तो फिर आपको चल के आना पड़ेगा और थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है आप चांद पोल से आइए। अभी जो आप ये एरिया देख रहे हो उसको बोलते हैं जलेब ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक थे उसकी यहाँ पे परेड होती थी और राजा वहाँ पे बैक साइड आप मेरे देख सकते हो वहाँ से बैठ के परेड देखते थे। सो ये है जलेब ग्राउंड। ये जो पैलेस है वो 3 राजा के द्वारा निर्माण किया गया था। पहला जो था राजा वो है राजा मानसिंह, फिर जयसिंह वन एंड जयसिंह द्वितीय। तो ये जो पैलेस को बनने में 137 ईयर्स का टाइम लग गया था और ये जो पैलेस है वो तीनों राजा ने बनवाया था। 1592 से इसकी फाउंडेशन रखी गई थी ये पैलेस की।
और इसके बाद 17 में ये जो पैलेस है वो कंप्लीट बन के रेडी हो गया था जब पिंक सिटी का भी निर्माण हो रहा था। सो गाइज ये है हिस्ट्री। तो और भी बहुत सारी डिटेल्स है ये पैलेस के बारे में, वो मैं आपको बताते रहूँगा। सो गाइज चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आमेर पैलेस की जो टिकट्स है आपको मेरे बैक साइड दिख रहा है, ये जो जैसे ही आप एंटर होगे आमेर पैलेस में तो वहाँ से आपको राइट साइड पे ये टिकट काउंटर मिलेगा और इस टिकट की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। आप कंपोजिट टिकट भी ले सकते हो, ये जो जयपुर के कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ से आप टिकट लोगे तो कोई कंपोजिट टिकट ले सकते हो आपका 300 रुपये में। सभी जो टिकट्स है वो 300 रुपये में आप कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वो सारे आप यहाँ पे उसी टिकट से एंट्री कर सकते हो। तो आपको हर बार टिकट परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आप कंपोजिट टिकट ले लीजिए और फिर ये जो सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो वहाँ पे आप घूमिए। सो गाइज ये जो आप पहाड़ पे आप वॉल देख रहे हो, ये जो वॉल है वो वर्ल्ड की 3rd longest ऐसी वॉल है। फर्स्ट है चाइना वॉल एंड सेकंड एक कुंभलगढ़ यहाँ पे एक तालुका है वहाँ पे है, और ये जो 3rd number की जो वॉल है ये वॉल जयपुर के जो आमेर पैलेस है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। सो ये भी 3rd longest वॉल है। अभी जो आप देख रहे हो वो है दीवाने आम। ये जो दीवाने आम है वहाँ पे दरबार लगा रहता था, जैसे कि आप अभी के मॉडर्न युग में जो हाई कोर्ट कोर्ट है तो वैसे ही ये उस टाइम पे यहाँ पे जब भी कोई सभाएं चलती थी सो राजा के द्वारा यहाँ पे जो भी मुजरिम थे उनको सजाए सुनाए जाती थी, उन पे केस चलता था। तो ये सब जो है वो दीवाने आम यानी कि आम लोगों के लिए, ये जो आप देख रहे हो ये एरिया वो आम लोगों के लिए है, इसलिए ये जो जगह है वो है दीवाने आम। और दीवाने खास भी पैलेस में है, तो वो जो दीवाने खास है वो राजाओं के लिए था, तो वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये है दीवाने आम। ये जो दीवाने आम है वो हिंदू राजा और मुग़ल राजा का एक आर्किटेक्चर नमूना है। आपको यहाँ पे दोनों जो मुग़ल और हिंदू राजा है दोनों के आर्किटेक्चर के नमूने दिखेंगे अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो। अभी जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हो वो दीवाने आम के एग्जैक्ट बाजू में है, और ये जो है वो है कचहरी, 27 कचहरी, यानी कि जब भी कोई हिसाब किताब होता था तो यहाँ के राजा के सामने ये जो 27 कचहरी है वहाँ पे 27 गांव के अकाउंटेंट बैठते थे। सो यहाँ पे सब हिसाब किताब होता था अलग अलग गांव के जो भी अकाउंटेंट थे उसके साथ राजाओं का। अभी हम जा रहे हैं शीश महल देखने, और अभी ये जो शीश महल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हो वो है शीश महल। शीश महल भी कहते हैं उसको, दीवाने खास भी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया दीवाने आम के साइड के दीवाने खास किसको बोलते हैं, तो जो खास लोगों के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी जाती थी राजाओं की तरफ से, तो इस वजह से इसको दीवाने खास बोलते हैं।
जो ये है वो है समर पैलेस, यानी कि समर में जो रानियाँ थी वो इस महल में रहती थी, और विंटर में वो जो सिस महल है मेरे बैक साइड, तो वहाँ पे रानियाँ रहा करती थी विंटर। और विंटर और समर के लिए दोनों के लिए पैलेस अलग अलग है इस आमेर पैलेस में। अभी हम है मानसिंह पैलेस में, जो राजा मानसिंह थे उसका ये पूरा पैलेस है। और ये जो पैलेस है उसकी सबसे पहले नींव इस पैलेस की रखी गई थी जब ये आमेर पैलेस बनवाया गया था। तो सबसे पहले जो है वो मानसिंह पैलेस बनवाया गया, उसके बाद वो जो मैंने आपको दिखाया दीवाने आम दीवाने खास, वो उसके बाद बने थे। तो सबसे पहले ये मानसिंह पैलेस बना था, और मानसिंह जो राजा थे उसकी 12 रानियाँ थी, और 12 रानियाँ थी। तो आप जो मेरे बैक साइड देख सकते हो वो है 12 दरी। तो कुछ भी मीटिंग्स वगैरह होती थी तो वहाँ पे रानियाँ 12 रानियाँ बैठती थी। इस पैलेस में किसी को भी, किसी भी जेंट्स को अलाउ नहीं करते थे, तो रानियों की सेवा के लिए उन्होंने किन्नर रख रहे थे यहाँ पे। अभी हम नीचे जा रहे हैं 12 दरी के पास, जो मानसिंह की जो 12 पत्नियाँ थी, रानियाँ थी, तो वहाँ पे वो अपनी मीटिंग करती थी। तो वहाँ पे अभी जा रहे हैं हम, और वहाँ पे जोधा अकबर जो फिल्म का शूटिंग हुआ था, तलवारबाजी जो दिखाई गई थी राजा मानसिंह और जोधा बाई के बीच, तो वो वहाँ पे हुई थी। सो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। और ये जो 12 रानी हैं, तो राजा ने क्यों रखी थी, तो उसका भी एक रीज़न है कि जो राजा मानसिंह थे वो वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा उनका मानना था, मानते थे वास्तुशास्त्र को। तो इस हिसाब से किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने उन्होंने कहा था राजा को कि आप 12 रानियों के साथ आप विवाह कीजिए। 12 रानी इसलिए क्योंकि 12 राशि, जो राशि या राशिफल रहता है, तो 12 राशि की अलग अलग राशि की जो रानी थी वो हर एक अलग अलग राशि की थी। तो जैसे जिस राशि में सूर्य रहता है उस दिन या तो फिर उस महीने राजा उस रानी के साथ रहते थे। सो अभी हम आ गए हैं 12 दरी के पास। तो यहाँ पे जोधा अकबर का जो शूटिंग है वो यहाँ पे फिल्माया गया था, और आपने देखा होगा तलवारबाजी हो रही थी, बहुत ही अच्छा एक शॉट था वो फिल्म में, तो वो यहाँ पर फिल्माया गया है। जयपुर ट्रैवल सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपको मिलेगा। ये था आमेर पैलेस। तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके पैलेस में अलग अलग जो डिवीज़न थे उसके अलग अलग पार्ट्स में मैंने अलग अलग सब आपको समझाया, और पूरी जानकारी दी सभी गेट्स के बारे में, मानसिंह पैलेस के बारे में भी आपको बताया। तो ये जो सारी हिस्ट्री है, तो आज मैंने एक गाइड लिया था मेरे साथ, तो वो भी मेरे साथ ही है, इसका नाम है चरण सिंह। तो चरण सिंह ने बहुत ही अच्छे से मुझे समझाया, सभी जो है उसे बहुत ही अच्छे से गाइड किया है ये टूर में आमेर पैलेस के बारे में। सो गाइज, अगर आपको कांटेक्ट चाहिए इनका, तो मैं उसका कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ पे आके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आमेर पैलेस के बारे में ये जो है इस वीडियो में इतना ही। तो अभी हम जाएंगे, आज ही मुझे कवर करना है जयगढ़ फोर्ट एंड और कौन सा नाहरगढ़, और नाहरगढ़ फोर्ट भी मुझे कवर करना है। सो होप सो आज सब हो जाएगा। सो चलिए गाइज, तो अभी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए तो फिर, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।